हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टू फ्रंट वॉर में पाकिस्तान का शामिल होना उसके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होगा और उसका सबसे बड़ा कंफर्मेशन खुद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने दे दिया मेरे वीडियो अपलोड करने के कुछ टाइम बाद ही। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, वो भी फैक्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। अभी आप जहां भी देखो न्यूज में दिन रात एक ही चीज चलते रहता है, टू फ्रंट वॉर हो जाएगा। देखो, करने का तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वहां कौन शासन चलाता है उसमें भी कंफ्यूजन है, आर्मी, प्राइम मिनिस्टर या फिर आतंकी, ये तीनों के हाथों में पाकिस्तान का बागडोर है। इसलिए आज पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे है हर मामले में, जो 1971 से पहले तक उसका पार्ट हुआ करता था। देखो, मैं जो भी आपको कंफर्मेशन देता हूँ वो क्रेडिबल सोर्स से देता हूँ। ANI में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने PM इमरान खान को वार्न किया है, जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कोट करता हूँ। अनलेस पाकिस्तान डिड ए क्विक कोर्स करेक्शन ऑन इट्स चाइना रिलेशनशिप, इट वुड फेस द व्रेथ ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमिक पावर्स हु वेयर डिटरमाइंड टू आइसोलेट चाइना consequent to the clash with India and China's behavior during COVID pandemic. साफ चेतावनी है कि चाइना का ब्लाइंडली सपोर्ट करना बंद करो, नहीं तो पूरे दुनिया में अकेले पड़ जाओगे। यह डर पाकिस्तान को क्यों सता रहा है, उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट घटना है जो पाकिस्तान के साथ घटा है, उसको लेके मैं बात करता हूँ। पहला इंडिकेशन, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान एयरलाइन को 6 महीने तक बैन कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने फॉर्मली बहुत ट्राई किया और कहा कि हम इंटरनेशनली क्वालिफाइड पायलट को ही फ्लाई करने के लिए अलाउ करेंगे, उसके बाद भी पाकिस्तान के बात को रिजेक्ट कर दिया गया। सबसे ज्यादा इनकम पाकिस्तानी एयरलाइंस को यूरोपियन यूनियन से ही होता है। लॉस जो हुआ उसके साथ छवि इतना खराब हुआ वो अलग। दूसरा बात, जो रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना के खिलाफ पाकिस्तान में गुस्सा, स्पेशली बलूचिस्तान और गिलगित बल्टिस्तान में। आप कुछ टाइम से न्यूज में देख रहे हो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA लगातार अटैक किए जा रहा है पाकिस्तान पे। ये लोग स्पेशली चाइनीज एसेट को टारगेट करते हैं या फिर पाकिस्तानी फोर्स को। पाकिस्तानी फोर्स सालों से जुल्म करते आ रही है बलूचिस्तान के लोगों पे, और जो बाकी रह गया था वो चाइनीज लोगों ने आके पूरा कर दिया। चाइनीज फोर्स लोकल लोगों को मारते हैं, उनके एरिया कब्जा लेते हैं, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के वजह से वहां के लोगों को यह डर लग रहा है कि आने वाले टाइम पे कहीं बलूचिस्तान पे पाकिस्तान का कब्जा ना हो जाए। बलूचिस्तान और गिलगित के लोगों में इस बात को भी लेके गुस्सा है कि चीन लेबर तक अपने देश से लाता है और लोकल लोगों को काम नहीं देता। उइगुर मुस्लिम के साथ जो चाइना कर रहा है उसको लेके भी पाकिस्तानी लोगों के बीच बहुत गुस्सा है। यह बात भी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में कई सारे ग्रुप्स सोशल मीडिया पे चलते हैं जिसमें चाइना को क्रिटिसाइज किया जाता है, चाइना का मुस्लिम को लेके बिहेवियर को लेके। उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 60-70% सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। जो सब देश चीन के हरकत से पूरे तरह चिढ़े हुए हैं, पाकिस्तान को आखिर भारत से झगड़ा मोल लेके मिल क्या रहा है, सोचना चाहिए। चाइना लगातार पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्स पे कब्जा जमाते जा रहा है, बदले में चाइना पाकिस्तान को महंगे बिजली और रॉ मटेरियल बेच रहा है। चाइना पाकिस्तान के ट्रेड को भी आप देख लो। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के 2018 के रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना लगातार अपने सामान ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में बेच रहा है और इम्पोर्ट्स बहुत कम करता है। उसके बाद FATF के लटक रहे तलवार, जिससे पाकिस्तान को अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया तो उसका भीख मांगना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर उसे किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फाइनली पाकिस्तान के लिए यह भी सोचने की बात है कि अगर पाकिस्तान चाइना के साथ टू फ्रंट वॉर में शामिल हुआ तो फिर कहीं POK और गिलगित बल्तिस्तान से भी उसे हाथ ना धोना पड़ जाए। इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग।